राजस्थान के बीकानेर जिले में शुक्रवार को वायुसेना का एक लड़ाकू विमान मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट विमान से सुरक्षित कूद गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे घर में ही सेना के पराक्रम को नीचा दिखाने की दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन उनको शर्म नहीं आती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गरीब किसानों का मजाक बनाने का आरोप लगाया। गांधी ने कहा, पीएम गरीब किसानों को प्रतिदिन केवल 3.5 रुपए दे रहे हैं, जबकि उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कीर्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक 25 मार्च तक बढ़ा दी है। चुनावों में फर्जी मतदाता पर रोक लगाने के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई देते हुए ऐसे भविष्य बनाने का आह्वान किया जिसमें हर महिला और बेटी को समान अवसर सुनिश्चित हो सके। नाबालिग छात्रा को अगवा करके उसके साथ गैंग रेप करने के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश को नोएडा की थाना फेस 3 से पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी दिल्ली में जल्द ही ऑटो टैक्सी से सफर करना महंगा होने वाला है। शुक्रवार को दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक में दिल्ली में ऑटो किराया बढ़ाने को केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में पिछले 4 साल से सत्तासीन आपके एक विधायक एमएलए नरेश बालियान नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। विधायक के पास से इनकम टैक्स विभाग ने 2 करोड़ रुपए पकड़े हैं। ये है डीआईडी में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए कल तक।